स्टूडेंट्स हम लोग प्रश्न 4.3 पे यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योगफल के चार गुनी तथा अंकों के गुणनफल की दो गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या है जो अंकों के योगफल की चार गुनी है और उनके गुणनफल की दो गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना इकाई की जो संख्या है, इकाई की जो संख्या है वह x है, दहाई की जो संख्या है वह y है। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो अंकों की संख्या हो जाएगी आपकी 10 गुना दहाई प्लस इकाई। अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न से, दो अंकों की जो संख्या है ना वह अंकों के योगफल की चार गुनी है, अंकों के योगफल की यानी कि x और y है ना, योगफल की चार गुनी है। चलिए देखते हैं, 10y प्लस का x बराबर में 4x प्लस का 4y, 4y को इधर लिख देते हैं, 10y माइनस का 4y बराबर में 4x माइनस का x, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 3x बराबर में 6y। इस 3 को उधर भाग में भेजेंगे तो x बराबर में आ जाएगा 2y, समीकरण 1 ले लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या क्या है, अंकों के गुणनफल की दो गुनी है, अंकों के गुणनफल की दो गुनी है, यानी कि 10y प्लस x क्या हो जाएगा, 2xy के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 2y रखने पर 10y प्लस x की जगह पर 2y, 2 गुना में 10x, x की जगह पर क्या आ जाएगा 2y और इंटू में y है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 12y बराबर में इधर 4y2, तो 4y2 माइनस का 12y बराबर 0, 4y कॉमन कर लेते हैं, y माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y का मान एक 0 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, तो y बराबर 0, y बराबर 0 नहीं हो संभव है। ठीक है ना जी, दो अंकों की संख्या में ये y बराबर 0 ये नहीं होगा, यानी कि y बराबर में 3 हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ गया। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या था, x बराबर में 2y, यानी कि आ जाएगा 2 गुना में 3 यानी कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि दो अंकों की जो संख्या है, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या वो क्या है, 10y प्लस x न थी जी, 10y प्लस का x, यानी कि 10 गुना वाई की जगह पर लिख देंगे 3 और गुना प्लस में 6, तो 30 और प्लस का 6 यानी कि संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 36 हो जाएगी। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 18।